हम लोगों के भोजपुरी जगत में एक से बढ़ के एक सुपर स्टार है। रवि किशन से लेकर मनोज तिवारी तक, पवन सिंह से लेकर खेसारी लाल यादव तक, ये सभी एक्टर्स अपनी एक्टिंग के लिए तो जाने ही जाते हैं, लेकिन आजकल इन्हें जोरू का गुलाम भी कहा जाने लगा है। जोरू का गुलाम इन्हें क्यों कहा जाता है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हाल ही में कुछ तस्वीर को कुछ एक्टर्स शेयर किए हैं, जिन्हें आप लोग भी देखकर कह सकते हैं कि ये जोरू का गुलाम है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि भोजपुरी के कौन कौन से एक्टर्स है जो कि जोरू के गुलाम है। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए आज के यह वीडियो शुरू करते हैं। भोजपुरी स्टार रवि किशन इंडस्ट्रीज के जाने माने सितारों में से एक है। वह अपनी एक्टिंग और फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। वह रियल लाइफ में जितने अच्छे एक्टर है उतने ही रियल लाइफ में एक अच्छे पति देव, पिता और बेटे भी है। वह अपनी हर जिम्मेदारी को अच्छे से निभाते हैं, लेकिन एक आदत की वजह से आप लोग भी उन्हें जोरू का गुलाम कह सकते हैं। दरअसल एक्टर रात में सोते समय अपनी पत्नी के पैर को छूकर सोते हैं। इस वजह से सोशल यूजर्स, उनके जितने भी फैन फॉलोअर्स हैं, उन्हें काफी सारे बात बोलते हैं, जिनमें जोरू का गुलाम भी उन्हें कहते हैं। लेकिन एक्टर का मानना है कि वह अपनी पत्नी का बहुत सम्मान करते हैं और ऐसा वह उनके सम्मान में ही करते हैं। भोजपुरी के जो दूसरा एक्टर है, इनकी हरकतों को देखकर तो आप लोग जोरू का गुलाम 100% कह सकते हैं। जिनका नाम है यश कुमार। भोजपुरी स्टार यश कुमार अपनी रियल लाइफ में दो शादियां की हैं। पहली शादी अंजना सिंह के साथ और दूसरी शादी निधि झा के साथ की है। ऐसे में निधि के साथ उनकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते रहते हैं। उनमें उनके बीच कमाल की बॉन्डिंग देखने को मिलती है। कई बार तो उन्हें एक्ट्रेस के बाल तक बनाते हुए देखा गया है और जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं, इसके वजह से ही लोग इन्हें कई बार जोरू का गुलाम कहते हैं और वो हर बात को मानते हुए दिखते हैं। इसमें आप लोगों का क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम लोग के अगले स्टार आते हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज के कहे जाने वाले ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। आपको याद दिला दे, खेसारी लाल यादव ने बिग बॉस के सीजन 13 में शिरकत की। इसमें एक्टर को अपनी वाइफ चंदा यादव से काफी डरते हुए देखा गया था। उनके बारे में वह कुछ भी कहने से डरते थे। चंदा यादव से रिलेटेड बात उन्होंने बिग बॉस में कहने से कई बार कतराया है और इसके साथ रियल लाइफ में भी अपनी वाइफ को लेकर वह काफी सीरियस रहते हैं। भोजपुरी की कोई अन्य एक्ट्रेस से भी उतना लगाव नहीं रखते हैं, यहाँ तक कि किसी के फ्लर्ट करने पर भी कतराते हैं। उन्हें उनकी वाइफ के नाम से सिद्धार्थ शुक्ला और हिमांशी खुराना को काफी परेशान करते हुए देखा गया था। उनके बिना तो घर का कोई पत्ता भी नहीं खुर्राता है, ऐसा खेसारी लाल यादव का मानना है। तो इन सब चीजों को भी देखकर हम लोग के ट्रेंडिंग स्टार को कहा जा सकता है कि ये जोरू के गुलाम है। तो इन सब चीजों को देखकर आप लोगों को क्या लगता है कि क्या भोजपुरी के एक्ट्रेस जोरू के गुलाम है? यदि है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसके साथ ये भी बताइएगा कि आज के यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा।